गुजरात की एक अदालत ने जेल में बंद प्रवचनकर्ता आशाराम के बेटे नारायण साईं को रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने नारायण साईं पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि अदालत ने शुक्रवार को नारायण साईं को बलात्कार के एक मामले में दोषी पाया था। साल 2013 में आसाराम की गिरफ्तारी के बाद सूरत की दो बहनों ने 2013 में पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आसाराम बापू और नारायण साईं ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। इनमें से एक बड़ी बहन ने आरोप लगाया कि जब वह उसके अहमदाबाद के आश्रम में रह रही थी तो 1997 से 2006 के बीच आसाराम ने उसके साथ बलात्कार किया। छोटी बहन ने आरोप लगाया था कि सूरत के जहांगीरपुरा इलाके में बने आश्रम में 2002 से 2005 के बीच रहने के दौरान नारायण साईं ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। साईं को दिसंबर 2013 में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया था। जब वह जेल में था तो सूरत पुलिस ने दावा किया था कि उसने मामले को कमजोर बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों, डॉक्टरों और यहां तक कि न्यायिक अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की। आसाराम जोधपुर के बलात्कार के दूसरे मामले में दोषी पाया जा चुका है और वह आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। और सूरत में रहने वाली महिला के द्वारा दायर मामला गांधीनगर अदालत में चल रहा है और आज नारायण साईं को गुजरात की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।